तो आप फ़ोन लेना चाहते हो तो आप 35,000 रुपीज़ तक अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए तो आपका भाई आपके साथ है। आज के वीडियो में आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अंडर 35,000 रुपीज़ में आते हैं। तो गाइस वो पांचों स्मार्टफोन काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर के साथ आते हैं, तो अगर आप उनको खरीद लेते हो तो आपको कोई सा मतलब बाद में कोई पछतावा नहीं होगा कि आपने गलत स्मार्टफोन खरीद लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो है वीवो की तरफ से, जिसका पूरा नाम है वीवो V25 Pro 5G। ये एक 5G स्मार्टफोन है एंड इसके कुछ हाईलाइट्स के बारे में आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 1300 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक 5G चिपसेट है एंड इसका डिस्प्ले जो है वो आपको 6.58 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ एंड आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा 64+8+2 एंड 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड बैटरी के बारे में बताऊँ तो 4830 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, उसी के साथ आपको 66 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसकी एक खास बात बताऊँ तो ये एक कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है, तो ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम है वीवो V25 Pro 5G में। एंड इसके प्राइस के बारे में बताऊँ तो इसकी जो प्राइस है 33,750 रुपीज़ अप्रॉक्स इसी सेगमेंट में आपको देखने को मिलती है। तो इसी प्राइस सेगमेंट में आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है, तो काफ़ी तगड़े फीचर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और जो दूसरा स्मार्टफोन है वो IQ की तरफ से आता है। इसको मैंने लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी मस्त प्राइस सेगमेंट में आता है, तो इसका फीचर जो है वो काफ़ी मस्त मस्त फीचर आपको देखने मिल जाते हैं वो भी लो प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो इसकी प्राइस पहले आपको बता दूँ 21,999 इसकी प्राइसिंग है। एंड यहाँ पे इसके फीचर के बारे में बताऊँ तो भाई काफ़ी मस्त फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 90 Hz की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा, 16 MP का फ्रंट कैमरा एंड आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ इसके फास्ट चार्जर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे भाई आपको 66 W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं काफ़ी मस्त प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो आपको Xiaomi के फ़ोन अच्छे लगते हैं ना, तो तीसरा फ़ोन आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगेगा जिसका नाम है Xiaomi Redmi K50i। यहाँ पे इसकी प्राइस पहले बताऊँ तो यहाँ पे 24,999 रुपीज़ में आपको देखने को मिलता है। एंड इसके जो फीचर है भाई काफ़ी लाजवाब फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि MediaTek Dimensity 8100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 144 Hz की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 144 Hz मतलब इस प्राइस सेगमेंट मिलना तो काफ़ी मस्त बात है। एंड 64 MP+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 16 MP का फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसकी बैटरी के बारे में बताऊँ तो 5080 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 66 W के फास्ट चार्जर के साथ। तो आपको इसके फीचर कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे, काफ़ी मस्त फीचर के साथ आता है ये Redmi K50i 5G स्मार्टफोन। तो गाइस चौथे नंबर जो स्मार्टफोन आता है वो Samsung की तरफ से आता है, जिसका नाम है Samsung Galaxy S21 FE। FE का मतलब यहाँ पे है फैन एडिशन। तो काफ़ी मस्त मस्त फीचर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे, मतलब यूनिक फीचर देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में आपको बताऊं तो भाई यहाँ पे आपको Exynos 2100 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है एंड आपको डायनेमिक अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120 Hz की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी एंड 12+12+8 MP का ट्रिपल कैमरा है। मत करना भाई, काफ़ी तगड़ा कैमरा है इसका, 12 MP का है बट काफ़ी नेक्स्ट लेवल कैमरा है। एंड फ्रंट में 32 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे इसके बैटरी के बारे में बताऊँ तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 25 W के फास्ट चार्जर के साथ। और दोस्तों इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊँ 34,990 रुपीज़ तक की आपको इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। तो भाई ये जो फ़ोन है Samsung Galaxy S21 FE फैन एडिशन, ये लिटरली काफ़ी मस्त स्मार्टफोन है। यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलता है एंड वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, मतलब ढेर सारे फीचर देखने को मिलते हैं। Samsung का स्मार्टफोन है एंड फैन एडिशन के लिए बनाया, मतलब जो Samsung के फैंस हैं ना उनके लिए बनाया गया है स्पेशली, तो काफ़ी मस्त स्मार्टफोन है, इसको भी आप खरीद सकते हो। तो फाइनली भाई लास्ट नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो iPhone है, iPhone 11। आपको इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी मस्त इस पर डिस्काउंट चल रहा है, 35,990 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हो। एंड आईफोन के बारे में आपको पता ही होगा कि इसका कैमरा जो है एकदम नेक्स्ट लेवल होता है, इसका डिस्प्ले जो है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता है एंड परफॉर्मेंस की बात ही मत करो भाई, एकदम मतलब एकदम हाई फाई वाला प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एप्पल का
13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा। एंड कैमरा के बारे में आपको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि एकदम नेक्स्ट लेवल कैमरे आईफोन्स में देखने को मिलते हैं। तो भाई डेफिनेटली अगर आपको एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए तो आईफोन 11 आपके लिए है। 35,000 रुपीज़ में आप इसको खरीद लो, काफ़ी मस्त स्मार्टफोन है। तो ये 5 स्मार्टफोन आपको बताएं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोन्स हैं, तगड़े तगड़े फीचर के साथ आपको देखने को मिलते हैं। आपको 5 में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा आप कमेंट में बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।